हाय एवरीवन, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से रहें। और देखिए, मैं न्यू व्लॉग लेकर आ गई हूँ। और आज देख लीजिए, मैं आटा गूंदी थी, वही बर्तन में मैं बेसन ले ली हूँ। बेसन में देखिए, मंगरेला, अजवाइन, जीरा और कुछ MDH का मसाला, उसके बाद ढेर सारी धनिया की पत्ती एंड प्याज और मिर्ची। बच्चे लोग खाते हैं इसलिए मैं मिर्ची को छोटा छोटा पीस में नहीं की। और ये देखिए, थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर है। और मैं घर में सारा मसाला को पीस कर तैयार कर लेती हूँ, एंड नमक स्वाद के अनुसार। तो सारा कुछ मैं एक साथ मिला लेती हूँ। उसके बाद अभी जैसे कि पता ही है कि ठंडा में ये सब शाम के टाइम में चाय के साथ खाना बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं गैस को नीचे रख ली हूँ, क्योंकि खड़ा खड़ा कमर आजकल अकड़ जाता है। और हम लेडीज़ लोग को तो पता ही है कि ठंडा में एनी टाइम खड़ा होकर काम करते करते पैर एंड कमर बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगती है, पेन होने लगती है। तो ये देखिए, मैं अच्छी तरह से मिला ली हूँ सभी को, और मेरी तेल भी गर्म हो चुकी है। और उधर साइड में मेरा बेटा चाय बना रहा है। और तेल जब गर्म हो जाती है ना, तो इसमें से जो धुआं निकलती है बहुत ही आँख में लगती है। रहता है, नहीं खाएगा है? चाय के साथ दिए वहाँ, चाय के साथ। तो ऐसे ही चटनी तो नहीं बना है? तुम चाय के साथ डुबा खा रही सुहानी? और यहाँ देखिए, ये चाय गिलास में सभी को मैं दे दी हूँ। और यहाँ पे चीनी का डब्बा, ये सब सब ऐसे ही रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। और देखिए, ये मेरी चाय है बड़ी वाली गिलास में। और ये देखिए, मेरी बेटी बिना चाय का ये लोग खा ही नहीं सकता है, सभी को आदत लग चुकी है। कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरी, ये देखिए मम्मी, और ये देखिए मेरी गुड़िया। चावल, ये अरवा चावल है, मैं इसे धो कर रखी हूँ। और आज मैं बनाऊँगी पुलाव। और ये देखिए, ये सिंपल दाल है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सिंपल दाल ही खाते हैं, बच्चे लोग नहीं खाते हैं तड़का वाली दाल। और ये मटर छील कर मैं रख ली हूँ। और ये देखिए, गाजर, गाजर प्याज सब मिक्स करती हूँ मैं, और बीन्स भी है, अभी मटर डालना बाकी है। तो ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसमें अभी चावल डाल दूंगी। और आज बना रही हूँ मैं पुलाव, अभी दोपहर का भी 2 बज रहा है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी शाम का डिनर। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और अभी नया जो चावल आई है ना, तो मेरे घर में तो आ ही जाती है सब कुछ, गांव से सब कुछ, चावल, गेहूं, सब्जी, सारा वेजिटेबल सब कुछ आ जाती है। तो हम लोग को थोड़ा मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं फंसाना पड़ती है। और कभी कभी मन कर जाती है पुलाव खाने का, तो बच्चे लोग उतना ज़्यादा खाते नहीं है, कभी कभी दे ही देती हूँ मैं, बना देती हूँ। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी ये देखिए, ये बन के यम्मी यम्मी तैयार हो गई है। तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, आप लोग को भी खाने का इरादा है तो आ जाइए मेरे साथ। और ये देखिए, सभी
तैयार है, सिर्फ बैंगन का सब्जी है, ओनली बैंगन और दाल सिंपल और ये पुलाव। तो ज़रूर आइए मेरे साथ, और चलिए मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, और ठंडा से आप लोग भी बचे रहिए। ओके।